Students, today we will study about a poem, My Devoted Dog. First, I read the poem. Every morning, my devoted dog waits silently by the chair till I have greeted him with a touch. Receiving this slight recognition, his whole body thrills with joy. When I see the self offering of his mute heart pleading its own need, I cannot think what unique value his simple wisdom has found in man. With his wordless look of pathetic bewilderment, what he understands, he cannot put in words. But to me, he reveals the full significance of man in the scheme of creation. Dear students, through this poem, the poet describes the relationship of human being and a dog. He says that the dog is fully devoted to his master. He tells about own relationship with a dog. Every morning his devoted dog waits him by the chair silently. हिज स्लाइट टच विद डॉग फील्स डॉग्स बॉडी विद जॉय द पोएट डज नॉट रियलाइज व्हाट इज स्पेशल ए डॉग फाइंड्स इन मैन द डॉग थ्रू हिज वर्डलेस लुक एंड पैथेटिक आइज स्पीक्स ऑफ मैंस वैल्यू इन दर्ल्ड इस कविता के माध्यम से कभी हमें यह बताना चाहता है कि डॉग कुत्ता जो होता है अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है अपने आप समर्पित होता है तो जब कभी सुबह सुबह नाश्ते के लिए चेयर पे आता है तो कभी के आने से पहले ही प्रत्येक दिन उसका जो कुत्ता है धीरे से आकर उसके चेयर के पास बैठ जाता है और अपने मालिक का इंतज़ार करने लगता है कभी का हल्का सा टच उसके लिए पू, उसके बॉडी को पूरे जॉय के साथ भर देता है उसको आनंदित कर देता है और वह पूरे दिन आनंदित रहता है कभी कहता है कि इसके अंदर इतनी स्पेशल क्वालिटी है ये कैसी क्वालिटी है कभी नहीं समझ पाता है नहीं सोच सकता है कि यह अपने साधारण बुद्धिमानी से मनुष्य की वैल्यू को बताता है एक कुत्ता की मनुष्य उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है विद दिज़ वर्डलेस लुक ऑफ पैथेटिक बी बिल्डरमेंट व्हाट ही अंडरस्टैंड ही कैन नॉट पुट इन वर्ड्स कह रहा है कि वह बिना कुछ बोले वर्डलेस लुक वह बोल नहीं सकता है और अपने इस दयनीय कंडीशन को घबराहट के साथ व्हाट ही अंडरस्टैंड जो कुछ भी वह मानों की क्वालिटी को समझता है उसके महत्व को समझता ही कैन नॉट पुट इन वर्ड्स वह अपने शब्दों के द्वारा रख नहीं सकता है बता नहीं सकता है बट टू मी ही रिव्यूज द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ मैन इन द स्केम ऑफ क्रिएशन लेकिन कभी कहता है कि मेरे लिए वह बता देता है मैं उसकी कंडीशन को कुत्ते की कंडीशन को समझ जाता हूँ कि वह या अपने वर्डलेस लुक और पैथेटिक आइज़ के साथ जो कुछ भी मनुष्य की महत्व को बताता है इस संसार में कि मनुष्य की क्या वैल्यू है वह कभी समझ जाता है इस कविता में यही है द रिलेशनशिप बिटवीन डॉग एंड हिज मास्टर आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू